हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका 22 और 23 दिसंबर इट वीडियो का एग्जाम जो कंप्लीट हुआ उसके संबंध में कल रात को, जी हाँ कल रात को जो है आपका क्वेश्चन पेपर और आंसर की आ चुका है। बट उसमें 22, जी हाँ 22 तारीख मॉर्निंग शिफ्ट का और 23 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का बच्चों का जो है आंसर की डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। बट आपका जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो रहा है, आंसर की पर क्लिक करने के बावजूद भी आपका जो है क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड हो रहा है, ये खबर प्राप्त हो रही है। और ये भी एक अफवाह उड़ी है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, उसके संबंध में हम पूरी पूरी जानकारी आपको देंगे कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, पूरी पूरी वजह आपको बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। उससे पहले चाहेंगे हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश अंतर सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, ग्राम विकास अधिकारी या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी के विषय में हो, आप तक हम आसानी से पहुँचा सकें। तो ठीक है मित्रों, तो बढ़ते हैं पहले सबूत की तरफ, देखते हैं हम लोग क्या सबूत है पहला कि जो आपका एग्जाम कैंसिल होने को जो यहाँ सुनिश्चित नहीं करता है। तो पहला बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग उधर पहुँचते हैं। तो पहला सबूत जो आपके समक्ष है, ये देख सकते हो कि आपका एग्जाम के संबंध में अभी कैंसिलेशन का कोई भी जो है आयोग की तरफ से विचार में नहीं है। ये देख सकते हैं आप उत्तर प्रदेश अंतर सेवा चयन आयोग जो अभी नोटिस जारी हुआ कल रात को, आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018 द्वारा सम्मिलित ग्राम पंचायत कार्यो, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के तहत विज्ञापित पदों पर चयन हुए 572 परीक्षा केंद्रों पर लिखित परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को दो दो पालियों में आयोजित की गई। दिनांक 22/12/2018 को आयोजित उक्त परीक्षा की प्रथम पाली के प्रश्न पत्रों की 8वीं सीरीज देख सकते हैं, या फिर एफ सी करके डी एफ एफ जो भी है प्रश्न पुस्तिकाएं उनसे संबंधित औपबंधिक उत्तर कुंजी तथा द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र को 8वीं सीरीज BA BB BC जो भी है प्रश्न पुस्तिकाएं उनसे संबंधित औपबंधिक उत्तर कुंजी तथा दिनांक 23/12/2018 को जो भी AB AC AD AFGH की प्रश्न पुस्तिकाएं उनसे संबंधित औपबंधिक उत्तर कुंजी तथा द्वितीय पाली के EA AB AC की प्रश्न पुस्तिकाएं उनसे संबंधित औपबंधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थियों के उपयोग आयोग की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर दिनांक 31/12 तक दृष्टव्य हैं। तो ये बड़ी खबर है आपके लिए कि जो सबसे बड़ी सबूत जो है आपके लिए कि मित्रों आपका जो ये है पूरा पूरा देख सकते हैं कि आपको पूरा 31 तारीख तक जो है समय दिया गया है कि आप इसके कोई भी क्वेश्चन के आंसर के संबंध में या फिर क्वेश्चन के संबंध में ऑब्जेक्शन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अभी आयोग की तरफ से इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आपका एग्जाम कैंसिल होगा। हाँ, कुछ हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम, हमारी जहाँ तक बात हुई है वहाँ के मेंबर से, एक जी हाँ एक कर्मचारी से बात हुई है, तो अभी इसके संबंध में कोई खबर नहीं है कि आपका जो है एग्ज़ाम कैंसिल होने के मूड में है आयोग। और जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 22 तारीख के जो मॉर्निंग शिफ्ट का और 23 तारीख के इवनिंग शिफ्ट का आपका आंसर की डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। बाकी अगर हम बात कर लें 22 तारीख के इवनिंग शिफ्ट के और 23 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट के, तो सभी सेट, जी हाँ जितने भी सेट हैं 22 की इवनिंग की और 23 के मॉर्निंग की, तो सभी सेट क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की डाउनलोड हो पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग इसे जानते भी होंगे। और कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे भी हैं जो अब 22 तारीख के शाम वाले हैं या फिर 23 की सुबह वाले हैं, तो वो अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी डालने के बाद भी उनका नहीं खुल रहा है, तो ये भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये है मित्रों। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अभी परीक्षा के कैंसिलेशन के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है, और हो सकता है आज जो है आपका डाउनलोड होने लगेगा आंसर की जो भी बच्चों का है 22 तारीख के सुबह वाले और 23 तारीख के शाम वालों, तो आपका जो है शाम तक जो है सॉरी जो आंसर की आपका डाउनलोड होने की संभावना जताई जा रही है, जैसा कि सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। तो ये बड़ा सबूत है आपके लिए कि पूरा पूरा जब आयोग ने खुद ही दे दिया इसके संबंध में कि आपका जितने भी सीरीज हैं चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट के हों या इवनिंग शिफ्ट के हों, सभी के उत्तर कुंजी और प्रश्न पुस्तिकाएं अवेलेबल होंगी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ही है उसके वजह के नाते जो आपका डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आज जो है आपका डाउनलोड होने लगेगा दोपहर बाद से आंसर की मित्रों। तो ये बड़ी खबर थी आपके लिए। तो अभी एग्ज़ाम के कैंसिलेशन के संबंध में किसी प्रकार की कोई भी
जो है जानकारी नहीं प्राप्त हो रही है आयोग की तरफ से। हाँ ये चीज़ है कि आपका पेपर आउट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, आपका पेपर आउट हुआ है। इसके संबंध में फिर आज से न्यूज़पेपर में शायद कुछ न्यूज़ आया है, कुछ और जो है गैंगवार जो लोग थे पेपर सॉल्व करवा रहे थे उनमें कुछ लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। तो लगातार आज 2 से 3 दिन जब से अभी एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ है, लगातार न्यूज़पेपर में इसके संबंध में आ रहा है कि जो है पेपर आपका आउट हो चुका है, पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है बाहर से किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे न्यूज़पेपर में पढ़े ही होंगे मित्रों। तो ये बड़ी खबर भी है कि एक कहीं ना कहीं एक मजबूत पॉइंट ये भी है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन आयोग इसके संबंध में अभी किसी प्रकार की कोई जांच या फिर और इसके बारे में कोई अभी जानकारी नहीं दे रहा है। तो ये जैसे ही भी हमें कुछ इस संबंध में जानकारी प्राप्त होती है कि अगर आपका आयोग इसके संबंध में कोई कैंसिलेशन का जी हाँ निर्देश जारी करती है, सूचना जारी करती है, या फिर आपका जैसे ही डाउनलोड होने लगेगा आंसर की जो भी 22 तारीख के मॉर्निंग शिफ्ट के और 23 तारीख के इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का, तो उसके संबंध में हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। जैसे ही डाउनलोड होना स्टार्ट होगा इसको, इसके संबंध में हम फिर से आपको फिर से सूचित करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मित्रों। तो अभी किसी प्रकार की कोई टेंशन मत लीजिए, आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने की अभी कोई भी आयोग की तरफ से सूचना नहीं दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर थी। तो ठीक है मित्रों, हमें कैसे भी इसके संबंध जैसे भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो आप तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।